एसोसिएशन जिंदाबाद 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 एएलसी एएलसी है कि वो हमारी प्रोसीडिंग्स में अपने सजेशंस देना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने आज चेयर बाहर निकाली कि आप बाहर ही रखेंगे तो हम आवाज़ देंगे, तो जैसे जैसे आवाज़ दी जाएगी केस की उस हिसाब से वो यहाँ अंदर आए अपने केस को प्रेजेंट करें। तो इस चीज़ को अगर वो ऑफेंडेड फील कर रहे तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे किसी का डिसरिस्पेक्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं है। हमारा यहाँ पे काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे जो लॉज है एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर की दोनों तरफ को बराबर सुना जाए। जोर बजारी बंद करो। हमारे केस में अगर एप्लीकेंट नहीं अफोर्ड कर सकता है, हमारे पेमेंट ऑफ वेजेस हो गए जो भी हैं एक्ट्स हैं उसमें अगर नहीं कर सकता है तो हम उसमें प्रोविजन होता है कि लेबर ऑफिसर उसको फाइट करे। लेकिन मैंने यहाँ कहीं भी नहीं कहा है कि वो एडवोकेट्स को ना लाए। ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਲਏ ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੀਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋ ਮੋਰ ਦਾ ਚਲੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਚਲੀ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ ਲੋਕੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇ ਕਿ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਸੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋ ਆ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਹਰ बिल्कुल बिल्कुल हमें जब तक ये जब तक ट्रांसफर नहीं होती ना हम कोर्ट बायकॉट करते तब तक कोर्ट बायकॉट करेगी बात। वो आप जो इश्यूज हैं वो आप रखिए डीसी साहब के नोटिस में लाएंगे। उन्होंने मुझे कहा है कि आप काइंडली उनको रिक्वेस्ट करिए कि आ जाएं, इशू क्या है तो उनको भी बुलाएं। ठीक है, हमारा जो केस है कोर्ट में चल रहा है लेबर कोर्ट में, तो इसको तो कम से कम साल हो गया केस चलते हुए, इधर तो कोई हमारी कोई सुन नहीं रहा है, एडवोकेट साहब भी वो भी उनके भी कोई नहीं सुन रहा है जी। हमें 3 से 4 साल हो गया काम किया, मजदूरी की हुई थी तो हमें वो पैसा अभी तक नहीं मिला कोई। 2018 में हमने काम किया है उसकी पेमेंट आज तक कभी नहीं हुई। आज हमें बुलाया हुआ था यहाँ पर, हमारी कोई बात नहीं सुनी, हमारे एडवोकेट थे उनकी भी कोई बात नहीं, मिसबिहेव किया उन मैडम को है यहाँ पर मिसबिहेव किया उन्होंने। किसके साथ? आपके साथ? नहीं, हम नहीं गए, वकील के साथ। हाँ, काम धो सर अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिली। मोहर का बसिंदा हूँ, मोहम्मद अशरफ नाम है सर मेरा, और 2018 में सर हमने लेबर लगवाई थी, रजीत सिंह ठेकेदार है सर मेरा, थ्रू पटियन का रहने वाला, उसने मेरे से लेबर मंगवाई सर मोहर में जाके मेरे से बातचीत करके, और लेबर ने काम किया करके बाद में वो टाल मटूल करता सर, पैसा मांगता हूँ, कहता जी मुझे मेरे पास पैसा है ही नहीं, मुझे ठेकेदार ने पैसा दिया नहीं। 2 साल तो मैं उसके पीछे घूमता रहा, 2 साल के बाद सर हमने केस किया कोर्ट में, तो लेबर कोर्ट में सर मैं 2 साल हुए चलते हुए, कोई सुनवाई सर अभी तक नहीं है। और 18 तारीख को मेरी तारीख थी, 18 को मैम साहब ने कहा कि आप लेबर को लेके आना सर, कोई लेबर मेरी तो आज दूर दराज लागू दूर हैं, तो इनको बुला के स्पेशल गाड़ी करके सुबह 10 बजे हमें बुलाया, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे वकील साहब अंदर गए, उनके साथ भी बड़ी बदतमीजी की, उनकी चेहरे कुर्सियाँ निकाल के बैठ फेंकी उन्होंने, तो इस मैडम जी ने जी वकीलों को अंदर जाने ही नहीं दिया। अगर वकीलों की सुनवाई नहीं तो हमारी गरीबों की कौन सुनेगा सर, 2 साल से तो हमारी किसी ने सुनी नहीं। आज अगर लेबर मंगवाई तो लेबर से कन्फर्म उन्होंने करना था कि लेबर क्यों मंगवाई थी, तो उन्होंने उल्टा ही वकीलों से बदतमीजी की, क्या किया, तो हमें तो अपनी किस्मत का मुकद्दर का पता है, गरीब की सुनवाई सर होती नहीं है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मैं एज ए मिस्त्री हूँ, मैं इस मेड के साथ आया था काम करने के लिए, इन्होंने मुझे बुलाया था, तो 2018 से लेकर इस टाइम तक इन्होंने हमें कोई पैसा नहीं दिया, तो हम इससे मांगते रहे कि पैसा दो, ये बोलने लगा नहीं जी हमें, मुझे ठेकेदार ने पैसा ही नहीं दिया, तो आज तक ये तारीखें देता रहा, तो आज इन्होंने बुलाया था मैडम जी ने कि पूरी लेबर लेके आप इधर आ जाओ, तो मैं आपकी लेबर की वेरिफिकेशन करूँगी। वेरिफिकेशन करने के बजाय हम सुबह 10 बजे के मोहर से इधर पहुँचे, तो मोहर से इधर पहुँचने से वो इस वक्त 1:30 बजे पहुँची है अपने दफ्तर में, तो उस लिए कि वहाँ पे तब से लेकर, तब हमारे वकील हजरात भी आए, तब से लेकर इस टाइम तक भी उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, और नहीं उसने ये बोला कि लेबर को घर भेज दो जी। अब हम 2018 से लेकर इस टाइम तक अपना इंसाफ मांग रहे हैं, और आज भी लेबर बुलाने के बावजूद भी तो लेबर को घर भेज दो, अब हम कहाँ से किराया लाएँगे, कहाँ से मजदूरी करके पैसा लेने के बजाय हम घर से लगा के कर्ज़ा उठा के
किराया लगाते हैं, तो इसलिए हमारी मतलब हमारी ये गुजारिश है हर एक से कि ताकि हमारा इंसाफ और मजदूरों को पैसा मिलना चाहिए। मैं माहौर से इलाका सलदार से हैं हम, हमें 2018 में एक ठेकेदार के साथ काम किया है और 2018 से लेकर आज तक हमें कोई लेबर का पैसा नहीं मिला है। इसी लिए हमें यहाँ लेबर कमिश्नर के पास बुलाया था, हमें वहाँ सामने लाने के लिए बुलाया था, लेकिन हमारे जो एडवोकेट थे उनको भी वहाँ अंदर एंटर नहीं होने दिया। अभी उसी के माध्यम से हमने एक प्रोटेस्ट किया है, हम डीसी ऑफिस के बाहर में हैं, जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं, कभी नहीं हटेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। 4 साल हो गए हमें काम किए हुए, आज तक हमें कोई पैसा नहीं मिला है। 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि ठीक था सब कुछ, माहौल भी ठीक था, बट जब से ये मैम आई हैं 2-3 डेटों से हम ये देख रहे हैं इनका जो बिहेवियर है टूवर्ड्स एडवोकेट्स, टूवर्ड्स जो लेबरर है वो ठीक नहीं है। आज भी ऐसा हुआ, किसी ने किसी को वकालतनामा दे रखा है, किसी वकील साहब को वकालतनामा दे रखा है, पर मैडम कहती है कि नहीं पर्सनली जो लेबरर है वो खुद पेश होगी उस केसेस में। 29 लेबरर है, किसी में 20 लेबर है, उन सबको मैडम ने आज के लिए बुलाया था। लेबर कल शाम की आ गए क्योंकि दूर दराज रहते हैं तो सारे आके यहाँ पे आ गए थे, 10 बजे के करीब आ गए थे। मैडम 1 बजे खुद आ रही हैं, 1 बजे के बाद चाय का कप बुलाया मैडम ने अपने लिए, कोई 2-3 मैं नहीं जानता कौन थे, यूनियन के थे या कोई कॉन्ट्रैक्टर थे, तो उनको मैडम ने बुला के अपने पास बिठा दिया। जो वकील ने पूछा मैम कि आप कोर्ट कब करेंगे, शुरू कब करेंगे, तो मैडम ने क्या किया था, जो चेयर्स एडवोकेट्स के लिए चेयर्स होती हैं वो बाहर निकाल दी थी। तो मैडम ने कहा आप बाहर चलिए, मैं खुद बुलाऊंगी अगर वकील की ज़रूरत होगी, नहीं तो लेबरर्स आई है। ये मैडम का जो बिहेवियर है हम देख रहे हैं, मैडम का बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं है, ना तो लेबरर के लिए तो ना एडवोकेट्स के लिए। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे डीसी साहब से कि इनका या तो गुजारिश की है, डीसी साहब से गुजारिश की है कि इनकी या तो ट्रांसफ़र की जाए या इनके बिहेवियर को ठीक रहा। तो आज मैं पहली बार, मैं मेरी 20 साल प्रैक्टिस है और मैं पहली बार आज ये देख रहा हूँ कि एडवोकेट्स को चेयर्स निकाल के बाहर रख दी और खड़े कर दिया, और जी जब हम बुलाएंगे ज़रूरत पड़ेगी एडवोकेट की तो ठीक है, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो एडवोकेट खड़ा खड़ा ही बाहर से चले जाएगा। दिस इज़ नॉट द वे टू वर्क इन ए कोर्ट। तो हमें जो रवैया आज हमें जो हमारे ऑफिसर से नज़र आया वो बहुत ही कंडेमनेबल था, और हमने कंडेमन भी किया है। आज जितनी भी ये स्ट्राइक हुई है उसी की वजह से हुई है। हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमने डीसी मैडम से हम मिले हैं, आज पहली बार मुलाकात हुई, हमें बड़ा अच्छा लगा, हम मुतासर हुए उनके साथ बात करके, और हमने उनसे बात कही कि हम या तो इन ऑफिसर को चेंज किया जाए या तो फिर आप जो है कोर्ट का डेकोरम जो है वो मेंटेन करें, वो जैसे भी हो सकता है। थैंक यू। और डीसी मैडम ने ये हमें आश्वासन दिया है कि आज के बाद उसके रवैये में तब्दीली आएगी, और लीगली जो बात होती है केसेस का हमें कोई परवाह नहीं है, केस क्योंकि इंसाफ देना है इन्होंने, जिसके हक में केस बनता है उसके हक में कर दें, उसके लिए उसके लिटिगेंट्स के लिए आगे रास्ता अपील में जा सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं, हाई कोर्ट तक, इवन के सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, उस बात की हमें परवाह नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये है कि मिसबिहेव किसी एडवोकेट से करना वो हमें बर्दाश्त नहीं है। वो मेरे मेम्बर्स हैं बार के, रियासी बार के, उनके साथ मिसबिहेव किया है। मैं जल्दी जल्दी कटरा की कोर्ट में काम छोड़ के इधर आया तो पता चला कि मैम ने वकीलों के साथ मिसबिहेव किया है। तो अब इन्होंने मेरे पीछे, मेरे आने तक इन्होंने डीसी मैम से इन्होंने बात कर ली थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया, ये अभी भी मुझे पता चला है। तो अगर देखते हैं इनके बिहेवियर में बदलाव आता है तो ठीक है, नहीं तो हम इनकी कोर्ट बायकॉट करेंगे और एजिटेशन करेंगे कि इनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। कभी इस तरीके से अगर एक जुट मतलब ऑफिसर अगर इस तरीके से पेश आना शुरू हो जाएंगे तो आम आदमी इंसाफ के लिए जाएगा कहाँ? और इंसाफ तभी दिया जा सकता है जब एडवोकेट्स और जज का तालमेल होगा। जब जज का रवैया इस तरीके से होगा तो एडवोकेट्स वहाँ पे काम करने के लिए अपने आप को तंग महसूस कर रहा है तो वहाँ पे दिक्कत आनी लाजमी है, और वहाँ पे एक इंसाफ की जो गुहार लगाई जा रही है वो कहीं ना कहीं तार तार हो रही है। रिस्पेक्ट उनको पूरी दी जाती है यहाँ पर एज एन एडवोकेट। जहाँ तक चेयर्स की बात थी, चेयर्स हमने जानबूझ के बाहर निकाली है क्योंकि जब हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है हम एप्लीकेंट को सुनते हैं और रिस्पॉन्डेंट को सुनते हैं तो वो भी वहाँ बैठे होते हैं। समटाइम्स बीच में उनके फ़ोन बजने शुरू हो जाते हैं, वो आपस में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो हमारी प्रोसीडिंग्स में अपने सजेशंस देना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने आज चेयर बाहर निकाली कि आप बाहर ही रखेंगे तो हम आवाज़ देंगे
तो जैसे जैसे आवाज़ दी जाएगी केस की, उस हिसाब से वो यहाँ अंदर आए, अपने केस को प्रेजेंट करें। तो इस चीज़ को अगर वो ऑफेंडेड फील कर रहे तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे किसी का डिसरिस्पेक्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं है। हमारा यहाँ पे काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे जो लॉज हैं एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, कि दोनों तरफ को बराबर सुना जाए और जहाँ तक हो सके गरीब तबके को, एप्लीकेंट को, उसको इंसाफ दिया जाए और ना ही नॉन एप्लीकेंट के साथ कोई ज़्यादती की जाए। हमारे केस में अगर एप्लीकेंट नहीं अफोर्ड कर सकता है, हमारे पेमेंट ऑफ वेजेस हो गए जो भी हैं एक्ट्स हैं उसमें अगर नहीं कर सकता है तो हम उसमें प्रोविजन होता है कि लेबर ऑफिसर उसको फाइट करे। लेकिन मैंने यहाँ कहीं भी नहीं कहा है कि वो एडवोकेट्स को ना लाए। एक केस में मैंने जो था मेड था उसको मैंने बोला था कि आप एप्लीकेशन के ऊपर कहीं पे भी एप्लीकेंट्स के नाम तो हैं पर सिग्नेचर नहीं है, उनकी आईडीज नहीं है, किस पे मैंने उसको डिसीजन देना। और उसने टोटल अमाउंट लिखी हुई है, जैसे 2 लाख लिखा है, 4 लाख लिखा है, तो वो मेड लेके चला जाएगा, एप्लीकेंट्स तो बेचारे रह जाएंगे ऐसे ही, मुझे तो उनके बारे में भी सोचना है। तो इसीलिए मैंने उस मेड को कहा था कि आप नेक्स्ट डेट पे उन सभी बंदों को यहाँ पर लेकर आए ताकि मैं देख सकूँ, उनके सिग्नेचर ले सकूँ उस एप्लीकेशन के ऊपर, और वो कितना उनका अमाउंट ड्यू है वो मैं उनसे जान सकूँ। इसलिए मैंने बुलाया था। और ऐसा कुछ नहीं है कि एडवोकेट्स जो है बाहर खड़े रहेंगे और सिर्फ एप्लीकेंट अंदर आएगा। जब वकालतनामा लगा है, एप्लीकेंट ने एक एडवोकेट हायर किया है, तो बेशक एप्लीकेंट ना आए लेकिन एडवोकेट को आना ज़रूरी है। देखिए हमारे जो केसेस हैं ना बहुत माइन्यूटली ऊपर तक चीफ सेक्रेटरी तक जो है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, और हर महीने हमें हर केस के नाम के साथ उसके आगे ये भी लिखना पड़ता है, डिटेल्स देने पड़ते हैं कि ये क्यों केस पेंडिंग है और किस स्टेज पे पहुंचा है और ये कब लगा था, हमारी कोर्ट में किस डेट को लगाया गया था और अभी तक उसमें कितनी हेयरिंग्स हुई हैं। तो ये सारा कुछ ऊपर देखा जाता है और उन्होंने हमें साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इसका जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो और जो ग्रीवी एग्रीव पार्टी है उसको जस्टिस दिलाया जाए।